हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से द क्रिएटिव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं मैं, जो कि है GMCH की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के। और इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि कितनी जा सकती है GMCH की कैटेगरी वाइज, जो कट ऑफ है वो कितनी अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट जो है वैकेंसी से रिलेटेड मिल जाएगा। उसके अलावा आपको बहुत सारे MCQs वगैरह भी सॉल्व कराए जाते हैं। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है घंटे का निशान है उसको ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो है अपलोड जो है यहाँ पर हम करते रहते हैं आपके लिए। सो आई होप कि आप सब्सक्राइब करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो PDF है दोस्तों, वो तो आपका वैकेंसी से जो वैकेंसी का PDF आया था वो है। तो आप सभी को पता है कि टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 162 है, और इस तरह से 2021 का ये फॉर्म है और सर्टिफिकेट वगैरह इसने सब मांगा था। आई होप कि आपका जो पेपर है वो अच्छा गया होगा। तो जो बच्चों बात करें, अगर अपन पेपर के पैटर्न की अगर बात करें तो मीडियम पैटर्न था, ठीक है। हम अगर कहें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं कह सकते और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं कह सकते, मतलब मीडियम जो है पेपर का पैटर्न था। और जो सीटें हैं वो 162 के आसपास है, कम ही सीटें हैं। तो कट ऑफ जो है हाई रहने की संभावनाएँ जो है अधिक बन रही हैं, और बहुत सारे बच्चों के बहुत से अच्छे अच्छे पेपर जो है वो गए हैं। तो उससे यही संभावनाएँ बन रही है कि पेपर जो है यहाँ पर कट ऑफ हाई जा सकती है। कितनी जा सकती है, सबसे पहले बात करते हैं अनरिजर्व के बारे में। जो अनरिजर्व की कट ऑफ है वो लगभग लगभग आपकी 82 से 85 जा सकती है, ठीक है। और ये आपके रुझान जो है अभी तक के दिख रहे हैं कि अगर 82 से अगर आपके ऊपर नंबर है तो आपकी संभावना है अनरिजर्व से सिलेक्ट होने की। बच्चों आगे बात करें OBC कैटेगरी की, तो जो OBC कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो 82 उनकी कट ऑफ जा सकती है। तो अगर 80 से अगर अबो मार्क्स हैं आपके तो आप अपने आप को थोड़ा सा सेफ जोन में कंसर्न जो है कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आप हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कट ऑफ हाई जाने वाली है। हाई जाने का कारण यही है कि पेपर का पैटर्न थोड़ा सा इजी था, और दूसरा कारण यह है कि सीटें भी कम हैं। सीटें अगर ज़्यादा हो तो ऑटोमेटिकली जो है कट ऑफ कम हो जाती है। आगे देखते हैं EWS। EWS जो कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ जा सकती है बच्चों, वो जा सकती है 78 से 80 तक जा सकती है। और उसके बाद बात करते हैं SC कैटेगरी की, और जो SC कैटेगरी की कट ऑफ है वो जा सकती है आपकी 79 से 81, ठीक है। ये अराउंड है कट ऑफ आपकी रह सकती है। कट ऑफ बहुत हाई रह सकती है इस बार, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है क्यों इतनी हाई कट ऑफ रह सकती है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट ST कैटेगरी की बात करें तो 77 से 78 जो है वो रह सकती है। आई होप यहाँ तक आपको पता चला होगा। और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों, जो रियल कट ऑफ है वो इससे कुछ भी नहीं रह सकती है। और इसके अलावा जो है फिजिकल हैंडीकैप के 2 सीटें हैं, तो 2 सीटें जिन लोगों को मिल जाएगी उनके ज़्यादा नंबर होंगे, तो इसमें कोई कट ऑफ अपन नहीं बता सकते हैं। और एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ भी कमी रहती है, तो एक्स सर्विसमैन के कुछ पद जो है यहाँ पर रखे गए हैं, तो उसके अनुसार जो है कट ऑफ उनकी रहने वाली है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक द वीडियो, शेयर विद फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।